हेलो नमस्कार एवरीवन मेरा नाम है दीपाली कॉल मेरे चैनल इमरामा तारो पे आने के लिए थैंक यू सो मच ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ अक्टूबर इसमें हम देखेंगे आपके करियर मनी मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फ़ॉर लियो फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट टेन डेज करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मैसेजेस फॉर लियो फर्स्ट टू टेंथ ऑक्टूबर ओके लियो देखिए एज फार एज योअर वर्क इज कंसर्न आपकी एनर्जी है बॉन्स फायर साइन एरिज लियो सैजिटेरियस देखिए काम में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी पैशनेट होके अपना काम आगे कर रहे हैं आ, या तो जो आपका काम है वो आपको पसंद बहुत है इट इज योर पैशन तो इस वजह से आप बहुत uh, कहते हैं ना एक इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं पैशन के साथ वो वर्क कर रहे हैं आपका जो चाम है वो भी वर्क कर रहा है यू आर मे बी चार्मिंग एंड आपका जो एक चार्मिंग नेचर है पर्सनालिटी है वो आपके काम में एक प्लस पॉइंट बन रहा है वो चीज भी हो सकती है काफी ऑनेस्टी दिख रही है मुझे काम में आपके लीडरशिप वाली एनर्जी दिख रही है मे बी यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ फ्यू पीपल आप उनको लीड कर रहे हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं बट लीडरशिप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे एंड ऑल्सो आई कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर इन योर करियर इन योर प्रोफेशन तो चेंजेस हो रहे हैं बहुत जल्दी हो रहे हैं मे बी आप टीम मेंबर हैं चेंज हो रहा है आप लीड बन रहे हैं टीम लीड बन रहे हैं एंड uh, क्योंकि आपको सब पसंद करते हैं तो लोग आपकी सुन भी रहे हैं वो भी चीज हो सकती है बट काफी स्पीड से काफी तेजी से चेंजेस आ सकते हैं काफी एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं नेक्स्ट टेन डेज व्हेन इट कम्स टू योर करियर ट्रैवलिंग हो सकती है ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डील क्रैक करने के लिए शायद आपको ट्रैवल uh, करना पड़े बट करियर में चेंजेस आ रहे हैं आप मुझे ऐसा लग रहा है आप एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं नेक्स्ट पोजिशन uh, पे पहुंच रहे हैं प्रमोशन हो रहा है मे बी वो भी चीज हो सकती है um, पैसे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर विशिंग फॉर मनी अभी है नहीं पैसा ठीक है बट यू आर वेरी होपफुल कि ठीक है अभी नहीं आ रहा है या अभी मुझे उस तरीके का इंक्रीमेंट या अभी मुझे उस तरीके का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में जो मुझे चाहिए बट आएगी कभी ना कभी आएगी सो यू आर विशिंग फॉर इट एंड यू आर वेरी होपफुल एंड आपको समझ आ रहा है आपको गाइडेंस भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके आसपास के लोगों की तरफ से एंड यू आर लाइक ठीक है लाइक आई आई वॉन्ट दिस थिंग एंड आई एम मैनिफेस्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इन लॉड ऑफ एफर्ट इन माई वर्क एंड वहां पे मैं ध्यान दूंगा पूरा काम करूंगा चेंजेस आ रहे हैं मैं उसको अच्छे से करूंगा लीड करूंगा पैसा अपने आप आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी सो so, वो आपकी थोड़ी सी विश करने वाली जो एनर्जी है ना वो मुझे दिख रही है वेन इट कम्स टू मनी वेन इट कम्स टू मैरिज आपका जो इमोशंस का जो कप है वो फिल हो रहा है फर्टिलिटी like, दिख रही है प्रेगनेंट तो हो सकते हैं फैमिली प्लानिंग होती दिख रही है फिजिकल uh, इंटीमेसी दिख रही है इन अ वेरी प्योर फॉर्म आप एंड आपके इंसान जो है फिजिकल इंटीमेसी फर्टिलिटी लव कनेक्शन अफेक्शन फैमिली बनती दिख रही है मुझे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सैटिस्फाइड हैं आप अपनी मैरिज में नेक्स्ट टेन डेज में बहुत सैटिस्फैक्शन दिख रहा है बहुत हैप्पीनेस दिख रही है एंड आई फील आपको ना टू सम एक्सटेंड मनी करियर मैरिज यू नो व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट आपका जो इंट्यूशन है वो काफी ऑन पॉइंट है काफी स्ट्रांग है एंड वो आपको पहले से ही बता रहा है कि हाँ ठीक है यू नो लाइक लियो यू डिजर्व दिस एंड दिस इज कमिंग टूवर्ड यू सो बी सो यू आर प्रिपेयर अच्छी चीज या बुरी चीज यू नो वॉट इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड बिकॉज ऑफ विच आप बहुत काम हैं बहुत कम्पोज हैं प्रिपेयर हैं ठीक है यू आर नॉट रेस्टलेस रेस्टलेस तब होता है इंसान जब um, पता नहीं होता है कि क्या होने वाला होता है जब पता होता है तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग में रेस्टलेसनेस होती है बट देन ग्रेजुअली आप प्रिपेयर हो जाते हो उस चीज के लिए तो वो आ जाती है तो वो चीज मुझे दिख रही है टावर मोमेंट आ सकता है कोई लियो नेक्स्ट टेन डेज में टावर मोमेंट आ सकता है टावर मोमेंट हमें क्या बताता है यूजली लोग डेथ कार्ड से और टावर कार्ड से बहुत डरते हैं टावर मोमेंट होता है जब चीजें ढह जाती हैं जब चीजें खत्म हो जाती हैं क्रम्बल करने लगता है सारी चीजें बट इसलिए नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है इसलिए कि कुछ पैटर्न ब्रेक करने होते हैं कई चीजों से आपको एग्जिट करना चाहिए खुद बट आप में हिम्मत नहीं होती है वो चीज करने की तो यूनिवर्स आपकी तरफ से आपको थोड़ा सा धक्का देते हैं पुश करते हैं ताकि वो चीज आप करो तो सारी चीजें क्रम्बल होती हैं सो दैट एक नई बिल्डिंग खड़ी हो एक नया तरीके से एक अम्म कोई चीज बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो एक नई फाउंडेशन बने चीज की ठीक है तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी नेक्स्ट टाइम क्योंकि आप पुरानी चीजों से कुछ एक्सपीरियंस ले चुके होंगे लर्निंग एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो अब कोर्स आप चीजों का ध्यान रखोगे तो वो होता है टावर मोमेंट आ सकता है काम में या पैसे में या मैरिज में कोई चीज खत्म होगी पूरी ढह जाएगी एंड आप उसको नए सिरे से स्टार्ट करोगे आपके पैटर्न्स ब्रेक होंगे आपका लाइफस्टाइल ब्रेक होगा चेंजेस आएंगे बहुत बड़े चेंजेस आएंगे एंड वो आपको एक बेटर इंसान बनाएंगे ट्रस्ट मी आओ मोमेंट हर किसी की लाइफ में आता है तो अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ओहो कुछ पनौती आ गई आपकी लाइफ में हर किसी की लाइफ में हर टाइम आता रहता है और वो इसलिए आता है क्योंकि आपको समाव इंट्यूशन के थ्रू पता लग रहा होता है कि अब आपको क्या करना चाहिए क्या सही है आपके लिए कौन सा इंसान कौन सी जॉब क्या नेक्स्ट स्टेप बट आप खुद करते नहीं हो तब यूनिवर्स टावर मोमेंट देता है क्योंकि उसको पता होता है कि आप खुद नहीं करोगे हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है सर्वाइकल हो सकता है किसी को सर्वाइकल या चक्कर वाले चक्कर आने वाला गिडीनेस थोड़ी सी फील हो सकती है आग से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बुखार फीवर हो सकता है थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा Um, but yes, अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक्स हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए किसी भी चीज को लेकर तो स्क्रीन uh, पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस है बॉडी में माइग्रेन हो गया पीसीओडी थारॉयड साइनस सर्वाइकल इनडाइजेशन गट इशूज एखने या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं फियर ऑफ अबेंडनमेंट हो गया फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया मेंटल <coughs> क्लैरिटी uh, नहीं है किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है रिलेशनशिप इश्यूज रिलेशनशिप ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा ये सारी चीजें अगर हैं आपको तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं क्योंकि आपके चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये आप रेकी इन क्रिस्टल्स भी मुझसे ले सकते हैं आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे अगर आप आ, को मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज तो आप मुझसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको किसी पार्टिकुलर इंसान की या कोई पार्टिकुलर सिचुएशन की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको कट ऑफ करनी है किसी एक इंसान से कट ऑफ करना है या किसी एक सिचुएशन से तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपका और इस कलर का है एज एन आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं एंड ऑल्सो आपका जो चक्रा है कौन सा चक्रा वीक है तभी वो अफेक्ट हो रहा है नेगेटिव एनर्जी से राइट right? सो so वो हम पता कर सकते हैं और स्कैनिंग से अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज इन जनरल अपने और के आसपास की नेगेटिव एनर्जीज क्लेंस करनी है तो ओरा क्लेंजिंग कर सकते हैं बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक ये जो सारी चीजें होती हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखें एंड बिलीव करें ये हीलिंग प्रैक्टिस में अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए और आपको लगता है कि हाँ आपको पंद्रह साल का माइग्रेन है एंड वो मैं दो हफ्ते में ठीक कर दूंगी तो नहीं ऐसे नहीं होता है ठीक है तो अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो हीलिंग प्रैक्टिस आर नॉट फॉर यू इट्स नॉट मैजिक स्पेल वो थोड़ा सा Uh, आने से पहले ध्यान रखिएगा बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि क्लाइंट का एंड हीलर का दोनों का टाइम मनी एनर्जी सब वेस्ट होता है सो so, किसी को फायदा नहीं होता उसका ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर हेल्थ वेल्थ मैरिज मनी नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल देखिए कोई चीज होती है इंसान के कंट्रोल में कि हाँ ये चीज को तो हम खुद डील कर लेंगे ये तो हो जाएगा खुद से कई चीजें होती हैं नेगेटिव फोर्सेस होती हैं बियॉन्ड योर कंट्रोल जो कि आप के बस में नहीं होती हैं तो वहां से भी आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है लियो ठीक है तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम थिंग्स दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल यू नीड टू डिफेंड योर अपना ध्यान थोड़ा सा खुद भी रखना पड़ेगा दो मैसेजेस हो सकते हैं या तो वर्क प्लेस में या पर्सनल लाइफ में कोई आप पे ब्लेम कर रहा है किसी चीज को लेकर आप पे एक्यूजेशन डाल रहा है किसी चीज को लेकर वहां पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा उस चीज के लिए कि हाँ ये चीज उल्टी मुझ पर आ सकती है तो मैं प्रिपेयर रहता हूं पहले से ही राइट सो so, यहाँ पे क्या हेल्प करेगा आपकी ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो काम कंपोज रहो एकदम से रेस्टलेस ना हो जाओ अरे मेरे पे ब्लेम कैसे डाल दिया यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ पहले से प्रिपेयर रहिएगा पॉइंटर्स के साथ कोई आप पे ब्लेम डाल सकता है बट कोई ये देखिए ये वाली सिचुएशन आपके कंट्रोल में है कि कोई आप पे ब्लेम डालेगा तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बट उसके अलावा कोई ऐसे नेगेटिव फोर्सेज जो आपके कंट्रोल के बाहर है वो यूनिवर्स ध्यान रखेंगे हार्डवर्क अड मेहनत बहुत है मेहनत का कोई उससे एस्केप रूट नहीं है ठीक है कोई ईजी वे आउट नहीं है कि आप सोचो यार अगर मेहनत नहीं करेंगे इसमें तो चल जाएगा क्या कोई सोल्यूशन निकल आएगा क्या नहीं मेहनत आपको करनी पड़ेगी हार्डवर्क है तो उससे बचने का अगर आप सोचेंगे और अगर आपको लगे कि यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं है कोई इसमें से कुछ तो वे आउट मिल जाए तो वो चीज नहीं होगी ठीक है वो आपको प्रिपेर्ड रहना पड़ेगा उस चीज के लिए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर मनी हेल्थ मैरिज नेक्स्ट टेन डेज फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए फर्स्ट टेन डेज ऑफ अक्टूबर फर्स्ट टू टेंथ अक्टूबर लियो के लिए मैसेजेस ओके गारंटेड सक्सेस स्टार कार्ड है हमारे पास ओ माई गॉड ओके वन सेकेंड ये कार्ड है हमारे पास दो स्टार बींग होपफुल विशिंग फॉर समथिंग सेम सक्सेस मैंने बोला था आप पैसे के लिए विश कर रहे हैं यू आर होपिंग फॉर इट एंड यू आर लाइक ठीक है यू नो लाइक आई वॉन्ट दिस थिंग एंड मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एंड मुझे मिल जाएगी मेरा काम है मेहनत करना और मैं मेहनत करता रहूंगा तो हार्ड वर्क एड है आप विश कर रहे हैं गारंटेड सक्सेस मिल रहा है आपको ठीक है वॉट एवर आर विशिंग फॉर योर गेटिंग इट समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसेर यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ किसी पे तो आप डिपेंड कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि हाँ यू नो लाइक मैं अगर छुट्टी ले रहा हूं या लीव ले रहा हूं ऑफिस से तो मैं इस इंसान को बोल देता हूं ये वो काम कर देगा नहीं वो इनफैक्ट आपके लिए और चीजें मुश्किल बनाएगा बिकॉज जब आप वापस आओगे लीव से तो वो बोलेगा कि नहीं मैंने तो ये नहीं किया तुमने मुझे ये बोला था और ये एंड देन आप फंस जाओगे सो so पहले से प्रिपेयर रहिए रिटर्न में रखिए कई चीजें कोई भी चीज हो सकती है रेंट से रिलेटेड ऑफिस से रिलेटेड रिटर्न में रखिए ताकि आप डिफेंड कर पाओ प्रूफ हो आपके पास क्योंकि दूसरा इंसान जब उससे गलती हो जाएगी और उसकी इनसेंसेरिटी बाहर दिखेगी तो वो आप पे ही ब्लेम डालेगा इस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो किसी चीज को लेकर कोई भी आपकी सिचुएशन है अगर अभी और आपको लग रहा है यार ये कब चेंज होगी होगी कब चेंज चेंज थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे अ इज कमिंग ठीक है कोई चीज है जो एक और अच्छे से बाहर निकलेगी एक चेंज आएगा ठीक है कैटोपिलर का कार्ड है तो कोर्स वो एक आउटर लेयर शेड होगी एंड एक बहुत सुंदर सा चेंज कोई बहुत सुंदर सी चीज आउटकम बहुत अच्छा होगा मेहनत करनी है मैनिफेस्ट करना है अपने आप को बचाना है प्रोटेक्शन अदरवाइज मिल रही है बट चेंजेस आएंगे एंड वो बेहतरी के लिए होंगे चेंजेस आपके लिए और चीजें बेहतर बनाएंगे आप ये मत सोचिएगा कि सिचुएशन ऐसी है तो हमेशा ऐसी ही रहेगी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी ओके यस मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको रीडिंग पसंद आई यू नो द ड्रिल लाइक like करिए वीडियो शेयर करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का थैंक यू बाय